छठे नवरात्र के दिन जो प्रथम शैल पुत्र जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे थी कुष्मांडी थी चतुर्थ काम पंचम स्कंद माते थी खष्टम कात्यायनी छठे नवरात्र के दिन भगवती कात्यायनी की उपासना की जाती है। कर्त ऋषि के पौत्र कात्यायन ऋषि के द्वारा सुपूजिता होने के कारण भगवती कात्यायनी के रूप में सुविख्यात हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उनको वरदान दिया कि उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। यह बात भी सर्वप्रचलित है। भगवती कात्यायनी जो सिंह पर सवार हैं, उनकी चार भुजाएं जिसमें उन्हें वर अभय खड़ग धारण किए हुए हैं, कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। और भगवती कात्यायनी के पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विशेष रूप से विजय प्राप्त होती है। उनका ध्यान करते हुए चंद्र हासो उज्ज्वल कराशार मूल वरवाहना कात्यायनी सुबंध दया देवी दानव घातनी अर्थात सब राक्षसों का विनाश करने वाली भगवती कात्यायनी जो है सब साधकों को अभय प्रदान करती है, शत्रुओं पर विजय प्रदान करती है। विशेष रूप से कात्यायनी का पूजन अर्चन करने से कुमारिकाओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। भगवती रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी के मंत्र का अनुष्ठान किया था। उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से कुमारिकाओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन अथवा छठे नवरात्र के दिन भगवती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसमें विशेष रूप से मेहंदी और हरी चूड़ियां माँ को अर्पित करें, और उसके बाद कात्यायनी के मंत्र का जो है अनुष्ठान करें, और अंत में भगवती से प्रार्थना करें, कात्यायनी महामय भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनाम मगनम माम उद्धर कृपामय ब्रह्म विष्णु शिवाराध्य प्रसिद्ध जगदम के वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होकर कुमारिकाओं को सुयोग वर प्रदान करती है। भगवती का ध्यान करते हुए उनको इस मंत्र का अनुष्ठान करें, उनको नाना प्रकार के स्वादी व्यंजनों का भोग लगाएं, ऋतु फल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होकर एक ओर जहां अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती हैं, वहीं दूसरी ओर कुमारिकाओं को जो है सुयोग वर प्रदान करते हैं।